हेलो एवरीवन, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सिंपल मशीन टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सिंपल मशीन स्टार्ट किए थे और हम लोग मशीन के डिफिनेशन के बारे में पढ़े थे कि मशीन क्या होता है, उसके टाइप्स के बारे में पढ़े थे और फिर हम लोग पढ़े थे टेक्निकल टर्म रिलेटेड टू मशीन। मशीन में बहुत सारा टेक्निकल टर्म था, उसके बारे में आपको पढ़ाया था। तो आज के सेशन में मशीन को कंटिन्यू करते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए खूब अच्छे से इसको समझेंगे, सुनेंगे और अच्छे से कॉपी में नोट करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग पढ़ेंगे कि आइडियल मशीन किसको कहते हैं। आपको प्रीवियस लेक्चर में याद होगा मशीन का डिफिनेशन पढ़े थे कि मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे काम को आसान करता है, जल्दी से जल्दी करता है और कम से कम ताकत लगा के करता है। ये बहुत सारे कल पुर्जों का कॉम्बिनेशन होता है जो अवेलेबल फॉर्म ऑफ चीज को यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, आइडियल मशीन के बारे में बात हो रहा है कि आइडियल मशीन किसको कहेंगे। देखिए, लाइफ में आप सब कोई ना कोई किसी ना किसी को आइडियल आप मानते हो। इसका मतलब उसके अंदर कमी आप कम खोजते हो या कमी ना के बराबर होता है। तो सेम उसी तरह आइडियल मशीन का मतलब हो गया ऐसा मशीन जिसमें किसी भी तरह का कोई लॉसेस टेक्स प्लेस करे, ऐसे मशीन को आइडियल मशीन कहें। या कह सकते हैं कि ऐसा मशीन जिसका इफिशियंसी 100% हो, ऐसे मशीन को आइडियल मशीन कहेंगे। नहीं तो फिर दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि ऐसा मशीन जिस मतलब जितना इनपुट दे उतना वो मशीन आउटपुट करके दे दे, दैट इज कॉल्ड आइडियल मशीन। तो फाइनली आपको डिफिनेशन समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। तो बोलोगे सर एक दो को एग्जांपल दिखा देते हैं आइडियल मशीन का तो मजा आ जाता है। तो याद रखना है आइडियल मशीन में किसी तरह का कोई भी त्रुटि नहीं होगा, कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। तो ऐसा प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से कुछ ना कुछ में जो है आपको ये कह सकते हैं कि त्रुटि हो सकता है या हम कह सकते हैं कि लॉसेस हो सकता है। तो यहाँ पर आइडियल मशीन का आपसे अगर कोई एग्जांपल बोलेगा तो आप बोल सकते हैं कि सर ऐसा मशीन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, रियल लाइफ में ऐसा मशीन आपको देखने को नहीं मिलता है, पर हाँ लगभग आसपास उसके पहुंचने का कोशिश करता है। तो डिफिनेशन ध्यान देंगे क्या कह रहा है, ए मशीन हुज इफिशियंसी 100% इज नोन एज आइडियल मशीन। पहला डिफिनेशन याद रखना कि ऐसा कोई भी मशीन जिसका इफिशियंसी 100% हो। 100% का मतलब है कि 100 नंबर का मैकेनिक्स का एग्जाम हुआ और आप 100 नंबर ले आए तो आप कैसा हो गए, आइडियल हो गए। क्लियर हो गया। फिर कह रहा है इन आइडियल मशीन द टोटल इनपुट इज इक्वल टू टोटल आउटपुट। इसका मतलब है कि आपको जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना ही आउटपुट दे रहा है। अगर कोई मशीन में अगर मान लीजिए हम 100 जूल का एनर्जी दे रहे हैं और वो भी मशीन 100 जूल का वर्क करके दे रहा है तो ऐसे मशीन को हम लोग क्या कह रहे हैं, आइडियल मशीन कह रहे हैं। क्लियर हो रहा है, क्या कह रहा है, इन आइडियल मशीन देयर इज नो लॉसेस टेक्स प्लेस। याद रखना है आइडियल मशीन में किसी भी तरह का लॉसेस को कंसिडर ही नहीं करते, मान लेते हैं कि इसमें किसी तरह का लॉसेस नहीं हो रहा है। कह रहा है इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन, पहले ही आपको बताए थे ये काल्पनिक मशीन है, मान लिया जाता है, ठीक है, रियल लाइफ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हर एक मशीन में किसी न किसी कारण से लॉसेस होता है। एक चीज हमेशा मन रहता है कि फ्रिक्शन जरूर लगेगा, मतलब कोई ना पार्ट का जो के कारण जो लॉसेस होगा उसको हम लोग को काउंट करना ही पड़ेगा। तो क्या कह रहा है कि इट इज अ हाइपोथेटिकल मशीन बिकॉज सम लॉसेस इज ऑलवेज टेक्स प्लेस। मशीन के अंदर कुछ ना कुछ लॉसेस होगा, कैसा लॉसेस होगा, तो लाइक फ्रिक्शनल लॉसेस, लॉसेस ड्यू टू डिफॉर्मेशन हो सकता है, पार्ट पुर्जा चलते चलते थोड़ा डिफॉर्म हो गया हो, टेढ़ा हो गया हो, खिंचा गया, उसके कारण भी लॉसेस हो सकता है, वेयर घर्षण हो रहा है उसके कारण भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी मशीन आपका आइडियल नहीं हो सकता है। अब यहां ध्यान देंगे कि आइडियल मशीन का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन रहता है कि आइडियल मशीन का एफिशिएंसी कितना होता है, तो आइडियल मशीन का एफिशिएंसी 100% होता है। अब 100 कहने का मतलब क्या हो गया है कि मैथमेटिकली कह सकते हैं कि एफिशिएंसी 1 के बराबर है। एफिशिएंसी हम लोग क्या पढ़े, वर्क आउटपुट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, आप कितना आउटपुट कर रहे हैं और आपको कितना इनपुट मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इनपुट को इससे मल्टीप्लाई किया, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, और इनपुट की जगह हम लोग यहां पर पढ़े हैं
कि एफर्ट गुना डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इनपुट कहने का मतलब है वर्क इनपुट। देखिए लिख दे रहा हूं वर्क इनपुट, और वर्क इनपुट का मतलब हो गया एफर्ट गुना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। आउटपुट का मतलब हो गया वर्क आउटपुट, तो ये हो गया लोड गुना डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। इसको अगर आप अच्छे से अरेंज करेंगे तो W को यहीं छोड़ दीजिए और P को इसके नीचे डाल दीजिए, तो लोड बटे एफर्ट, और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। तो आप पहले से पढ़े कि मैकेनिकल एडवांटेज जो होता है वो लोड बटे एफर्ट होता है, और वेलोसिटी रेशियो जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि आइडियल मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो और मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको आइडियल मशीन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। एक चीज और आप हमेशा करेंगे कि जब आप लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक जरूर कीजिए, ठीक है, उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप ही लोग के लिए हम लोग इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, पूरे गर्मी में फैन ऑफ करके आपका लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, कम से कम एक लाइक तो बनता ही है, ओके। चलिए हम लोग यहां से क्या करेंगे, आइडियल मशीन लोग कहेंगे कि आइडियल एफर्ट किसको कहते हैं। बड़ा छोटा छोटा टर्म है इसलिए बड़ा ध्यान से सुनेंगे, आइडियल एफर्ट, ठीक है, आइडियल एफर्ट। आइडियल एफर्ट को हम लोग क्या कहेंगे, पी लिख देंगे और सफिक्स में आइडियल लिख देंगे, ओके। तो आइडियल एफर्ट हम किसको कहेंगे, तो कहता है डिफिनेशन, पहले इसको ध्यान से सुन लेंगे, द आइडियल एफर्ट, द आइडियल एफर्ट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन, फॉर एन आइडियल मशीन, ठीक है। अब ये कैसे डिफिनेशन है, क्या कह रहा है कि आइडियल एफर्ट हम किसको कहेंगे, तो कहता है कि आइडियल एफर्ट का मतलब हो गया कि ऐसा एफर्ट जिसमें हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर हम फोर्सेस लगा रहे हैं, हम फोर्सेस लगा रहे हैं या कोई सिस्टम फोर्सेस लगा रहा है, तो ऐसा एफर्ट जिसमें आप लॉसेस को काउंट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एफर्ट को आइडियल एफर्ट कह रहे हैं। मान लीजिए हम इस मार्कर को पकड़े हैं, ओके, तो कहीं ना कहीं इसमें भी फ्रिक्शन कंसिडर हो रहा है, पर अगर हम फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे एफर्ट को हम लोग आइडियल एफर्ट कहते हैं। इसका दूसरा डिफिनेशन क्या हो सकता है, तो देखेंगे कि फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन, अगर हम कोई आइडियल मशीन ले लें, देखिए आइडियल मशीन के लिए ही आइडियल एफर्ट होगा, आइडियल मशीन के लिए आइडियल लोड होगा, पर प्रैक्टिकल में सारा जो एफर्ट लगता है वो नॉर्मल एफर्ट होता है, लोड होता है, ठीक है। तो फॉर आइडियल मशीन क्या पढ़े बाबू, इफिशियंसी 100%, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 1, और इफिशियंसी बराबर ऑलरेडी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो ये इफिशियंसी बराबर आपका होता है मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। अभी तुरंत इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे कि इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो कैसे होता है, ठीक है। अब यहीं से देखेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, यहां से हम कर देते हैं, हम लोग जानते हैं सिंस मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू इफिशियंसी। अच्छा मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो ये होता है लोड बाय एफर्ट और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आइडियल मशीन का इफिशियंसी कितना, 1 होगी, तो यहां से हम लिख सकते हैं लोड डिवाइडेड बाय पी आइडियल सफिक्स में डाल दिए, और ये जो वेलोसिटी रेशियो है यहां भेज दिए, तो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी रेशियो। तो यहां से आप डिफिनेशन आप देखेंगे, यहां से आपको डिफिनेशन दिख रहा है कि पी आइडियल मतलब आइडियल एफर्ट इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। डिफिनेशन यहां से क्लियर करेंगे कि द आइडियल एफर्ट इज द रेशियो ऑफ लोड टू द वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन, और मैथमेटिकली इसको प्रूफ कर दे। तो क्या होता है अपने में जो है कभी कभी ये 4 मार्क्स के लिए आ जाता है कि डिफाइन आइडियल मशीन, डिफाइन आइडियल एफर्ट, डिफाइन आइडियल लोड। उसी तरह आइडियल लोड के बारे में भी आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहीं पर देख लेते हैं कि आइडियल लोड फिर क्या हो जाता है, ओके। चलिए तो यहां से हम लोग देखते हैं फिर से, दैट इज कॉल्ड आइडियल लोड। तो फिर से वापस आइडियल मशीन में आप नोटिस करेंगे, फॉर आइडियल मशीन, फॉर आइडियल मशीन इफिशियंसी कितना होगा, 1 होगा, और इफिशियंसी बराबर क्या होता है, मैकेनिकल एडवांटेज
बाय वेलोसिटी रेशियो। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी मान लेते हैं कि ये होता है, तो इफिशियंसी 1 है तो यहां 1 लिख दो, इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज डिवाइडेड बाय वेलोसिटी रेशियो। अब आप ध्यान दीजिएगा यहां से कि आपके पास लिख सकते हैं वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज, और वेलोसिटी रेशियो इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज के जगह में आप लिख सकते हैं लोड डिवाइडेड बाय एफर्ट, और लोड के जगह लिख दिए हैं सफिक्स में आइडियल, तो यहां से हो गया डब्ल्यू आइडियल इज इक्वल टू एफर्ट इनटू वेलोसिटी रेशियो। डेफिनेशन में डाल दीजिए कि आइडियल लोड इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर द आइडियल मशीन। क्लियर हो गया? तो हम लिख सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ आइडियल एफर्ट एंड वेलोसिटी रेशियो फॉर एन आइडियल मशीन। तो आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम लास्ट यहां से आ जाते, बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन प्रूफ करेंगे, दैट इज कॉल्ड रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम घोट जाइएगा इसको, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन मैकेनिकल एडवांटेज वेलोसिटी रेशियो एंड इफिशियंसी ऑफ ए मशीन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है, और बहुत इजी है, तुरंत समझ में आ जाएगा। सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, तो क्या जानते हैं, तो मैकेनिकल एडवांटेज इज इक्वल टू लोड जिसको हम W कहते हैं बाय एफर्ट जिसको हम P कहते हैं, है ना, शुरू में ही हम लोग पढ़े। दूसरा एंड वेलोसिटी रेशियो, इसको पढ़े थे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, लिख भी देंगे लैंग्वेज में, displacement of load, याद रखना है बच्चों कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, आप जब लेक्चर सुन रहे हैं तो थोड़ा लाइक करते रहिए और कमेंट भी करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा बच्चा कमेंट करता है कि सर जितना सारा आप लेक्चर ले रहे हैं वो सारा क्लियर होते जा रहा है, तो उससे लगता है कि एक मेहनत जो कर रहे हैं हमें जा रहा है, और कुछ ऐसा भी बच्चा है जो लेक्चर सुन रहा है समझ भी रहा है, ना वो लाइक कर रहा है ना कमेंट कर रहा है ना शेयर कर रहा है, तो ऐसा आप लोग मत कीजिए, नहीं तो बीच में ही लेक्चर छोड़ देंगे, ठीक है, और फिर लटका देंगे 2-3 सप्ताह के लिए, तो फिर आप खुद ही लाइक कमेंट सब करने लगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा इस जगह आप लोग का भी सपोर्ट चाहिए, ओके। चलिए तो यहां से हम लोग क्या आते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज आ गए, वेलोसिटी रेशियो आ गए, और एक चीज हमेशा याद रखेंगे कि आप हर एक लेक्चर को लास्ट तक देखिए, बड़ा बड़ा भगा भगा के मत देखिए, हमको मालूम है कि लास्ट मोमेंट में जब आपके एग्जाम फाइनल आएगा तो आप एक ही लेक्चर को 50 बार देखेंगे, पर हम चाहते हैं कि वो स्थिति नहीं आए, उससे पहले ही आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक है। अब यहां से हम लोग आ जाते हैं इफिशियंसी ऑफ मशीन को हम लोग ईटा कहते हैं, और ये आपका होता है आउटपुट बटे इनपुट, तो आउटपुट की जगह लिख देता हूं वर्क आउटपुट और डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, मतलब आप इनपुट किसी ना किसी रूप में काम करिएगा और आपको किसी ना किसी रूप में काम मिलेगा, तो सबसे पहला यहां पर वर्क इनपुट के बारे में बात करते हैं, आप अगर इनपुट भूल जाइए तो वर्क मतलब फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, और इनपुट का मतलब है जो आप बाहर से फोर्स लगा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनपुट, ठीक है, तो मशीन पर आप जो फोर्स लगा रहे हैं लोड को लिफ्ट करने के लिए वो इनपुट हो गया, तो यहां पर वर्क इनपुट का मतलब हो गया फोर्स, और फोर्स की जगह आप लिखेंगे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट,
उसी तरह अगर आप लिखेंगे वर्क आउटपुट, तो वर्क आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अब बड़ा अच्छे से समझेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं समझ सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी में इसको पुट करेंगे। तो इफिशियंसी बराबर वर्क आउटपुट, और वर्क आउटपुट की जगह हम क्या लिख देंगे, लोड इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, और वर्क इनपुट की जगह लिख देंगे एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। क्लियर हो रहा है? अब यहां से आप आ जाएंगे बाबू, ये देखिए मैकेनिकल एडवांटेज आपको क्लियर कि मैकेनिकल एडवांटेज लोड बटे एफर्ट, तो आप यहां लिख सकते हैं इफिशियंसी बराबर मैकेनिकल एडवांटेज। और अगर आप इसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपको दिखेगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, पर यहां उल्टा है, तो हम इसको कह सकते हैं, इसको इसके नीचे ले आए तो हम कह सकते हैं 1/वेलोसिटी रेशियो। तो फाइनल मेरे पास रिलेशन आ गया, इफिशियंसी इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज बाय वेलोसिटी रेशियो। तो आई होप आपको ये पूरा डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आप बने रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जो आपको लेके आएंगे ये और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, जिसमें हम लोग मशीन के सेल्फ लॉकिंग, रिवर्सिबिलिटी, ये सब के बारे में पढ़ाएंगे। तो आप पूरे चैनल पर बने रहेंगे और सारे लेक्चर को अच्छे से सुनेंगे और उसको नोट करेंगे और अपने एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना है, थैंक यू।